तो एनिमल संदीप रेड्डी वांगा की दूसरी मूवी है, या फिर मुझे कहना चाहिए तीसरी मूवी है। इससे पहले वो अर्जुन रेड्डी और शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह बना चुके हैं, जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी जो एक नॉर्मल पिक्चर में नहीं होना चाहिए। और उसको देखने के बाद वांगा जी ने कहा कि अगर आपको ये पिक्चरों से आपत्ति है तो फिर मेरी अगली पिक्चर से आप दूर रहना, जो कि है एनिमल। और ये देखने के बाद मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि वांगा जी बिल्कुल सही थे, बिकॉज दिस मूवी इज नॉट फॉर एवरीवन। नाउ शुरू से शुरू करते हैं। एनिमल की छोटी सी सिनॉप्सिस वही है जो हम लोगों ने ट्रेलर में देखी है और हमको शुरू से अभी तक बताई गई है कि एनिमल होने वाली है एक ऐसी पिक्चर जो फादर सन की रिलेशनशिप और उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लोर करेगी। लेकिन ये हमारे घर जैसी फादर सन रिलेशनशिप नहीं है, इसमें काफी ज्यादा अब्यूज है और उसी अब्यूज का असर हमारे पिक्चर के मेन प्रोटैगनिस्ट, या मुझे प्रोटैगनिस्ट बोलना भी नहीं चाहिए इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं, एंड दैट बिकम्स द होल थीम ऑफ द मूवी, क्योंकि वही चीज पूरी की पूरी मूवी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको इन्फ्लुएंस करती है, बिकॉज वो कैरेक्टर इतना ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप का है कि हर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट के बाद कैसे उसकी लाइफ की टॉक्सिसिटी उसके आसपास वालों की लाइफ को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। नाउ इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और वो क्या है क्या नहीं ये आपको सब पिक्चरें देखकर ही समझ पाएगा, लेकिन द होल पॉइंट ऑफ द मूवी इज द फादर सन बॉन्ड दैट द मूवी फोकसेस ऑन। फिर इसके बाद अगर संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बात करी जाए तो देखो इन्होंने मूवी को 3 घंटे 20 मिनट की लेंथ पर रखा है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड क्रिएटिव चॉइस है, क्योंकि आज की में जहां पर स्टूडियोस अपनी मूवी को जितना हो सके छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पर इसको बहुत लंबा रखा गया है, which actually means कि इस मूवी को कम शो मिलेंगे तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर आप 3 घंटे 20 मिनट तक थिएटर में बैठ के इस पिक्चर को देखते हो तो क्या आपको लंबी फील होती है? तो मेरा जवाब है हाँ, कुछ पॉइंट पे मूवी लंबी फील होती है। ऑल्दो संदीप रेड्डी वांगा ने इस मूवी को खुद एडिट करके उसको इतना इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करी है कि मूवी टाइम में आगे पीछे जंप करती है एंड इट ऑलमोस्ट कीप्स यू इंटरेस्टेड ऑल थ्रू आउट, लेकिन देर आर टाइम्स जहां पे आपका अटेंशन थोड़ा सा आगे पीछे होता है, आपको लगता है कि मूवी से 15-20 मिनट बहुत आराम से कम किए जा सकते थे। लेकिन हाँ, क्रेडिट वेयर ड्यू, संदीप रेड्डी वांगा का डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि सबसे पहले मुझे उनकी फ्रेमिंग टेक्निक बहुत पसंद आई, कई सारे शॉट्स इतने ब्रिलियंटली लिए हुए थे। मूवी के बेस्ट पार्ट्स एक्चुअली उसकी एक्शन सीक्वेंसेस ना हो करके उसकी कन्वर्सेशन वाली सीक्वेंसेस हैं, जब दो कैरेक्टर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो मोमेंट सबसे ज्यादा इंटेंस फील होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ टेंशन है और उस चीज को वांगा जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है। फिर इसके बाद बहुत छोटी छोटी चीजों पर फोकस किया, जैसे किसी रूम में इको इफेक्ट डाला हुआ है, जैसे वहां पर कोई बोल रहा है तो रूम में आवाज गूंज रही है, टू मेक इट साउंड लाइक घर है तो बहुत बड़ा लेकिन खाली है, जैसे कि रणबीर कपूर की लाइफ। इसके बाद दो कैरेक्टर्स के बीच में एक पैरेलल ड्रॉ करने के लिए ट्रांजिशन शॉट भी बहुत बढ़िया सा दिखाया गया है, वो क्यों पिक्चर देखकर ही समझ पाएगा आपको। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं मूवी की राइटिंग में भी बात करना चाहता हूँ। इस मूवी को वांगा साहब ने खुद ही लिखा हुआ है, तो मूवी दो हाफ्स में बटी हुई है और अगर आप इसको देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एंड जहां पर मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे सॉर्ट ऑफ ठीक ठाक लगा, मुझे लगता है कि मूवी का सेकंड हाफ काफी बेटर है उससे। आई मीन ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाती है कि पूरा का पूरा फोकस रणबीर कपूर के कैरेक्टर और वो अपने पिताजी को लेकर कितना ज्यादा डेडिकेटेड है और क्या कुछ उनके लिए कर सकता है उसके ऊपर कंप्लीटली फोकस किया हुआ है, बाकी सारी चीजें जाए फाड़ में। लेकिन हाँ, वांगा जी जो चीज प्रॉमिस किए थे वो उस पर डिलीवर करते हैं, क्योंकि इस पिक्चर में उन्होंने अच्छा खासा वायलेंस दिया है। जब रणबीर कपूर अपने फुल फॉर्म में आते हैं तो आपको खूब अच्छी तरीके से दिखाते हैं वायलेंस। लेकिन इसके बाद सेकंड हाफ में भी उन्होंने काफी सारी ऐसी-ऐसी चीजें रखी हैं जो आप एक वांगा मूवी से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आज के जमाने में ये चीजें पिक्चर में दिखाने के लिए आपको गूदा चाहिए। और इसी नोट पे मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि अगर मम्मी पापा के साथ देखने का प्लान कर रहे थे तो ड्रॉप कर दो, क्योंकि सीन वगैरह तो है ही है, उसके साथ सेक्स सुक्स की बातें बातें भी हो जाती हैं बीच बीच में थोड़ी आपत्तिजनक, तो इस हिसाब से कब तक बाथरूम जाने का बहाना बनाओगे, आधी पिक्चर ही बाथरूम में निकालनी पड़ेगी फिर। लेकिन फिर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आई थिंक कि अभी तक के रणबीर कपूर के करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले तक मेरे लिए वो रॉक स्टार थी, बट ये वाली उसको भी टॉप कर जाती है। दिस इज जस्ट सुपर्ब। रणबीर कपूर ने इस पूरे कैरेक्टर में अपनी जान डाल दी है और ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे आप रणबीर कपूर को नहीं एनिमल को देख रहे हो। उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इंटू एन एनिमल इज क्लियरली विजिबल इस मूवी में। ना वो जो कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे किया है उसके मोमेंट्स है, जब वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं या कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से बात करता है, लेकिन फिर जब वो एक जोन में चला जाता है तो वो उसकी एनिमल जोन, और वो जोन इतनी ज्यादा खतरनाक, इतनी ज्यादा इंटेंस है कि उसमें वो किसी को भी नहीं बख्शेगा सिवाय अपने पिताजी के। और इस पूरी इंटेंसिटी को रणबीर कपूर ने बहुत काम, बहुत कंपोज्ड, येट एक मॉर्बिड तरीके से प्ले किया है। मतलब उस पूरे परफॉर्मेंस को देखकर आपको ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में एक मातम सा छाया हुआ है और वही इस पूरे परफॉर्मेंस की जान है। इसके बाद अनिल कपूर ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। जितने भी सीन्स में वो हैं उनके इमोशंस इतने प्योर तरीके से कन्वे होते हैं, चाहे वो एंगर के हो,
लव के हों या फ्रस्ट्रेशन के, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कन्वेड है। रश्मिका का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से अच्छा था, बस एक ही प्रॉब्लम थी, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगती थी, उनके डायलॉग्स क्लियर समझ में नहीं आ रहे। और यहाँ पर माइनर स्पॉयलर्स होंगे मूवी को लेकर, माइनर तो आप चाहो तो थोड़ा सा पार्ट स्किप कर देना आगे तक, लेकिन यहाँ पर मेरी मूवी से एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और वो है कि आई विश यहाँ पे लॉर्ड बॉबी को अच्छे से यूज किया जाता, बिकॉज ही फील्स लाइक अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, अंडर यूटिलाइज्ड पोटेंशियल, या आप जो भी बोलना चाहो, लेकिन मूवी में आपको एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग आएगी उनको देखकर। और इसके बारे में अगर मैं स्पॉयलर वीडियो बनाता हूं तो उस पर और अच्छे से बात करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस मूवी मोर। कुल मिलाकर मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूं जो आप एनिमल मूवी अगर देखने जा रहे हो तो आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो मूवी का रन टाइम काफी लंबा है और हो सकता है कि कुछ लोगों को वैसा फील हो, मुझे पर्सनली थोड़ी लंबी लगी ये पिक्चर। फिर इसके बाद वांगा साहब खुद ही बोल चुके हैं इस बारे में कि इस मूवी में वायलेंस होने वाला है, गन्स होने वाली है, रणबीर कपूर एकदम अनहिंज्ड अनफिल्टर रोल में है। और हां, आखिरी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसको देखे बगैर मत उठ के जाना, आई एम वार्निंग यू। कुल मिलाकर एनिमल एक रणबीर कपूर शो है जो उन्हीं ने ड्राइव किया है, अपने कंधों पे कैरी किया है और एक ऐसे यूनिवर्स में सेट है जिसको सिर्फ वांगा साहब ही लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, तो जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया अगर आप सब लोग वो चीजें देख के बर्दाश्त कर सकते हो तो प्लीज गो फॉर इट। लेकिन ये मेरा ओपिनियन था, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है, तो वो सारी चीजें मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर आप करेंगे पसंद, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो साइलेंट हो चुका, बट दिस मूवी इज नॉट। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज, मैं चला बरसात देखने।